वाह 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 वाह, शहर के कोने कोने में अभी तक पुलिस तैनात है और तुम हीरे बेचकर माल भी ले आए हो। अपना तो यही स्टाइल है सुलेमान सेठ। बड़ी जालिम चीज हो जालिम, बहुत दूर जाओगे। हम तुमसे बेहद खुश हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचेंगे। माल गिन लो सेठ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और ये नौ। ये 9 लाख का क्या हिसाब है भाई? बाबा एक पार्टनर बड़ा जिद्दी है, एक उसे देना पड़ा। अच्छा अच्छा, खैर कोई बात नहीं। ये कार? जी हाँ। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। और मेरे लिए? जी हाँ बिल्कुल, आपके लिए। और ये रही चाबी। लेकिन लेकिन क्यों? देखो ना, जो पैसे बने थे उसमें से आधा हिस्सा आपका। ओ मामी मामी, मैं ना कहती थी मेरी हथेली में खुजली हो रही है, कुछ आने वाला है। एक अच्छा आदमी आया और बहुत अच्छे दिन भी आने वाले हैं। लेकिन मुझे तो कार चलानी नहीं आती। तो क्या ड्राइवर मुझे रख लीजिए, बहुत कम दिखा लूंगा। ओ राम। सतारा वाला के डाकू गांव की कुछ लड़कियां उठा कर ले गए थे सर। इंस्पेक्टर नाडकर्णी उन्हीं की पूछताछ के लिए गए थे। इनकी लाश मैं कैसे उठा कर लाया हूँ मैं ही जानता हूँ सर। शाबाश डिक्रूज। यस सर। गिव हिम फर्स्ट एड। ओके सर। ये सतारा वाला कौन है सर? तारा एक बहुत घने जंगल का नाम है। बहुत से भागे हुए अपराधी वहां जाकर बसते हैं, डकैतियां करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। मीलों चौकी का पता नहीं, सड़क का पता नहीं। सतारा वाला उनके सरदार का नाम है। बस यूं समझ लो कि वहां उनका राज चलता है। हमारे होते हुए? मैं जानता हूं बलराम तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन खबरदार, मैं कहता हूं इस बेचारे की शक्ल एक बार फिर से देख लो। बलराम, इनको पकड़ना कोई छोटे मोटे फोर्स का काम नहीं। मैं आज ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से मदद मांगता हूं। सर मुझे एक मौका दीजिए। बलराम, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप ही ने तो कहा था सर कि एक सिपाही 100 चोर के बराबर होता है। वो तो ठीक है, लेकिन जंगलों में ये लोग कहां कहां छुपे रहते तुम्हें मालूम नहीं? उनको ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल बात है बलराम। वो मुझ पर छोड़ दीजिए सर, हम लोग भेष बदल कर जाएंगे। क्या कहा था ड्राइवर ने? हमारी लड़कियां उठा के ले गए। तुमने मेरा नाम नहीं सुना होगा, अब सुन लो। बलराम सिंह इंस्पेक्टर, और इस वक्त तुम और तुम्हारे आदमी गोवा पुलिस की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुम शायद जानते नहीं, कुछ ही दिन पहले तुम्हारे किसी भाई बंद की लाश को मैंने उधर भेजा था। जी हाँ, उसी लाश ने मुझे यहां भेजा है। अब तुम सीधी तरह मेरे साथ चलते हो या मुझे तुम्हारी लाश ले जानी पड़ेगी। बच्चे, एक चुटकी बजाऊंगा और सारी शेर। शोभा जी, आप लड़कियों को लेकर टेंट में जाइए। मुखर्जी साहब, लड़कियों में ध्यान रखिए। Come on.
अरे देखो देखो झोपड़ा चल रहा है। शाबाश मेरे शेर। छुपे हुए लोग हैं बाहर आ जाएं, वरना जो हाल इनका किया वो तुम्हारा भी कर दिया जाएगा। शोभा, शोभा। हाय। देखो नई मोटरसाइकिल लाया हूँ, चलो तुम्हें सैर करा लो। मैंने ऐसा कहूँगी, डैडी के साथ सैली की शादी पर जाना है। हाँ तो मैंने कब इनकार किया है? मैं जरूर शादी की बात तुम्हारे डैडी से करूँ। कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैंने कुछ कहा, तुम कुछ सुन रहे हो। बच्चों के मामले में डैडी को क्यों लाना, वो हम लोग आपस में तय कर लेंगे ना। वैसे मेरी अपनी राय है कि बच्चे हमारे तीन होने चाहिए। देखो तुम उसे बच्चों से की बात करोगी ना तो मैं मारूंगी। भाई शोभा, मैं अभी से कह देता हूँ, मैं बच्चों को मारने वारने के हक में नहीं हूँ। देखो तुम उसे इतना परेशान करोगी ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे भाई परेशान क्यों नहीं करेंगे, बच्चे होंगे तो परेशान करेंगे ही, वरना पैदा क्यों करें। क्या? एक मिनट, क्या कहा?